अबात बलौदाबाजार की होगी। व्यापार ग्राम धोरा भाटा का साहू परिवार 3 सालों से दबंगों की वजह से दहशत में जीने को मजबूर है। वहीं दबंगों की वजह से गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, जिससे परिवार काफी परेशान है। साथ ही मेहनत करके उगाई गई फसल को भी दबंगों के द्वारा काट लिया जाता है, जिसके चलते उनके सामने भूखे मरने तक की नौबत अब आ गई है। उन्होंने इसकी शिकायत थाने से लेकर गृह मंत्री तक की है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान परिवार फिर से एसपी और कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बलपूर्वक से फसल कटाई भी कर दिया, ग्रामीण बहिष्कार तो पिछले 3 साल से ये पीड़ित झेल रहे हैं। बहिष्कार का दर्द हम लोग 3 साल से झेल रहे हैं। हमारे रिलेशन में परिवार में किसी का मृत्यु भी होता है तो वहाँ आना जाना सख्त मना है। किसी को माटी पानी कुछ नहीं दे पाते। साहू नामक व्यक्ति से शिकायत हुआ है कि उनकी फसल किसी और ने काट के लेके गया है। इस संबंध में ऑलरेडी तहसीलदार न्यायालय में मामला चल रहा है और इसी बीच में फसल काटने की शिकायत आई है, जिसकी जाँच चल रही है और जाँच उपरांत जो भी वस्तु स्थिति जानकर उस पर कार्रवाई की जाए। अरविंद मिश्रा से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलौदाबाजार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आखिर हम कौन से युग में जी रहे हैं? हुक्का पानी बंद कर रखा है साहू परिवार का। जी बताना चाहूंगा कि पूरा मामला पलारी विकास खंड के ग्राम धौरा भाटा का है, जहाँ का साहू परिवार 3 साल से लगातार पीड़ित है। पुलिस चौकी, पुलिस थाने से लेकर गृह मंत्री तक के इन्होंने शिकायत कर दिया है, लेकिन इनको आ सक नहीं। गांव में इनके दबंगों के द्वारा इनकी बोई हुई फसलों को पके पके जाने पर काट कर ले जाया जाता है और इनके सामने एक एक दाने के लिए इनको मोहताज होना पड़ रहा है। ये थाने से लेकर गृह मंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगा। मजूरन ये 2 दिन पहले फिर वहां पे आए, बलौदा बाजार एसपी साहब से मिले और बोले कि हमारे, तो उन्होंने वो तुरंत थानेदार को फोन किया कि इनकी कार्रवाई की जाए। वहीं इन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात की है और कलेक्टर से ने भी बोला है कि तुरंत जाओ थाने और थाने जाकर एफआईआर दर्ज करो। देखना अब यह है कि इस कलेक्टर साहब के आदेश और एसपी के आदेश के बाद थानेदार क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं एसपी साहब ने कहा कि राजस्व का मामला है, जमीन का मामला है, फसल कटाई पे तो हमने एफआईआर दर्ज कर दिया, लेकिन बाकी मामला राजस्व का है। तो इसमें कलेक्टर साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा कि पूरे मामले में इनको न्याय दिलाए और इनको ये जो आधुनिक युग में हम जी रहे हैं उसके बावजूद इनको इस तरह से बहिष्कृत किया जाना एक, जबकि इनका कोई ऐसा दोष नहीं है। जमीन इनके नाम पर है, सारे कागजात इनके पास है, लेकिन इनको इनका हक न मिलने दबंगों की वजह से ये इनको बहिष्कृत कर दिया गया है और इन्हें किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया जाता। वहीं पीड़ितों ने यह भी बताया है कि यदि किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो जाता है तो उसको दबंगों के द्वारा 5,000 रुपए अर्थदंड भी दिया जाता है, जिसके कारण वे लोग इनके यहाँ भी आना जाना नहीं कर पा रहे। ना ही तो ये किसी के यहाँ जाते हैं, अगर कोई इनके यहाँ आता है तो उसको भी परेशान किया जाता है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है, ऐसा आप बता रहे हैं अरविंद। ठीक है, कलेक्टर साहब ने कह दिया, एसपी साहब ने कह दिया कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए, तो एफआईआर दर्ज की गई है दबंगों पर, इन दबंगों ने बहिष्कार किया इस परिवार का। दर्ज गीतपुरी पुलिस चौकी द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कार्रवाई की उन्हें जांच करके कार्रवाई की बात की जा रही है। तो गिरफ्तारी हुई है किसी की? अभी तक तो फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। तो एफआईआर कब दर्ज की गई? क्योंकि 3 साल से परिवार परेशान है, 3 साल से पीड़ित गुहार लगा रहा है अधिकारियों के पास जा जाके, जनप्रतिनिधियों के पास जा जाके, और एफआईआर कब हुई, कितने दिन पहले हुई है और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब ये कलेक्टर और एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने तत्काल इनको एफआईआर दर्ज, गीतपुरी चौकी पहुंचकर एफआईआर दर्ज कर, तो ये तुरंत वहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद दबंगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक के उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या लगता है अरविंद, क्या कोई मिलीभगत हो सकती है क्या चौकी प्रभारी से, थाना प्रभारी से दबंगों की, ऐसा कुछ है? चौकी प्रभारी से जब हमने बात की तो बोले अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, जांच के उनके कागजात मंगाए गए हैं, फसल के जो जमीन के कागजात हैं उनके तहकीकात के बाद ही पूरी तरीके से किया जाएगा ताकि इनको वास्तविक इनकी सजा इनको मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जानकारी के लिए।
और अब खबर